तो यहाँ देखिए आप हमारा व्यू जिम का, ये है बुर्ज खलीफा, वाटर फाउंटेन यहाँ पर होता है। अभी हम आ चुके हैं ग्लोबल विलेज जो कि सिर्फ विंटर्स में ओपन होता है। दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर हनी विद जिंजर। ओके, गुड फॉर योर थॉट। ओके, ग्लोबल विलेज में घूमते घूमते आप इंडिया भी देख ले। सबसे बड़ा बन रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा इंडिया ही है और सबसे खाने पीने के जो आइटम्स है वो इंडियन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे टू ऑफ दुबई। हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। आप लोग पूछेंगे कि हम तो यूके जाने वाले थे, दुबई कैसे पहुंच गए? तो हमारा जो है दुबई में एक स्टॉप ओवर है, मतलब चार पाँच दिन, तीन चार दिन के लिए हम लोग यहाँ हॉलीडे मनाने आए हैं सौरभ के भैया के पास, क्योंकि वो दुबई में रहते हैं। तो यहाँ देखिए आप हमारा व्यू जिम का, ये है बुर्ज खलीफा, वाटर फाउंटेन यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो वो तो नई नई बिल्डिंग बनती जाएगी, हर जगह पे न्यू कंस्ट्रक्शन चलते ही जा रहा है। यहाँ पर दुबई में कंस्ट्रक्शन चलता ही जाएगा। ये बिल्डिंग जब बन जाएगी तो थोड़ा व्यू सिस्टम ब्लॉक हो जाए। हाँ। बट हम तो भी छुट्टी मनाने के लिए हमें ठीक है, और शाम को यहाँ बहुत ही रौनक हो जाती है। कल की वीडियो में हमने दिखाया भी था। तो फिलहाल अभी हम अपना जिम करते हैं, कैलोरीज लूज करते हैं, क्योंकि बहुत खा रहे हैं। और फिर हम पूल में भी जाएंगे, बकलावा भी खाना होता है, फिर गजरेला भी खाना होता है। आज हम पूल में भी जाएंगे, तो होपिंग फॉर अ गुड डे। और आज हम कहीं बाहर भी घूमने जाएंगे। वैसे तो हमने सारा दुबई एक्सप्लोर किया हुआ है पिछले साल भी, लेकिन अभी हम आए हैं तो फिर से घूम लेते हैं। सुबह यहाँ पर पूल भी इंजॉय किया जा रहा है, टैन हो जा रहा है, टैन। चलो चलो निकलो, टैन हो जाना फिर। और यस, मम्मी जी सो रहे हैं, रिलैक्स्ड। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तैयार व्यार होके आ चुके हैं। क्या नाम बिल्डिंग का, मैं भूल गई फिर से। ओके, ठीक है। तो सेट रेडी, आज हम दिन एक्सप्लोर करेंगे, लेट्स सी कि कैसे जाता दिन। थे बतिल में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना कॉफी लंच करेंगे। ब्रेड ही खाई जा रहा सौरभ, वहाँ जाके ब्रेड ही खानी है। आटा डालनी शुरू करना बॉडी को, एकदम से अजीब ना लगे। परांठे से सीधा एग ब्रेड पे आ गए, और उसमें डाल के क्या खा रहे हैं, विनेगर और ऑलिव ऑयल के साथ। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। मेरी आ चुकी है चाइनीज ग्रीन टी। चाइनीज ग्रीन टी है ये, मैंने टर्की में पी थी, बहुत टर्की में, है ना। क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम था शाम को ग्लोबल विजिट जाने से पहले। सर्दी से गर्मी में आके कैसा लग रहा है? मम्मी तो सुपर हैप्पी कि ठंड से बचे हम लोग, और हमें अभी वापस लंदन जाना है, वहाँ जाके वापस ठंड को देखना है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कलेक्शन इतनी खास नहीं लग रही है। अभी हम आ चुके हैं ग्लोबल विलेज जो कि सिर्फ विंटर्स में ओपन होता है। लास्ट टाइम हम देख नहीं पाए थे, तो इस बार हम कवर करने वाले हैं। अम्मा जी कैसे लग रहा ग्लोबल विलेज? पूरी दुनिया का विलेज ले लो, इसमें 28 कंट्री से भी ज़्यादा उन्होंने वो बनाए हुए हैं, यहाँ के मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस, और उनकी अलग अलग तरह की शॉपिंग दिखाई हुई है। पहले हमने ली $5 की टिकट एंटर करने के लिए पर पर्सन, एंड देन दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने न्यूयॉर्क बनाया हुआ, न्यूयॉर्क का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको बनाया हुआ है एंट्रेंस पे ही, एंड काफ़ी बड़ा है। इसको तो कवर करने में कम से कम आधा दिन से ज़्यादा चाहिए। हम तो आए शाम को हैं, क्योंकि शाम को काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग और रौनक है यहाँ पे, और थोड़ा वेदर भी अच्छा, वेदर भी अच्छा हो जाता है। और ये सिर्फ विंटर्स में ओपन होता है। नहीं हो तो यहाँ पे आपको सारे कहते हैं ना कि अरब स्टाइल के कपड़े मिल जाएंगे, हाई मसाज। थैंक यू फॉर गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? कोई गिफ्ट नहीं है। चलो, वहाँ कुवैत था या टर्किश आइस क्रीम। अभी हम यमन के अंदर जा रहे हैं, लेट्स एक्सप्लोर। एक्चुअली अंदर पूरी मार्केट दिखाई हुई है कि यमन के अंदर मार्केट कैसी है, क्या क्या तुम ले सकते हो यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बैग में जगह नहीं है, तो हमें जो लेना है लंदन से ही लेंगे। हाँ जी मम्मा जी, यमन का सामान लीजिए। मेल गार्लिक है भी, कोई फीमेल गार्लिक भी होता है। बड़े मसालों की क्या खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह।
क्या क्या चीजें है? डिफरेंट वैरायटीज ऑफ हनी। वाह क्या बात है, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पियेंगे? स्पेशलाइज फॉर हनी विद जिंजर, ओके गुड फॉर योर थॉट, ओके ओके Take one, no, 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 thank you. No, thank you. ये है ज्वेलरी। वो तो ऐसा करना, मेरी वीडियो बना ले। डबल विले में घूमते घूमते आप इंडिया भी देख ले। सबसे बड़ा बन रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा इंडिया ही है और सबसे खाने पीने के जो आइटम्स हैं वो इंडियंस हैं। सही बात है। बाकी साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन। हम आगे ईरान की मार्केट में, क्या प्लान हो रहा है यहाँ लेने का? स्टैचू, ड्राई फ्रूट्स। ईरान के जो कारपेट है वर्ल्ड फेमस है और ये पेंटिंग बहुत बढ़िया है। वैसे तो हमने यहाँ से कुछ काजू वाजू लिए हैं और अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी वाली कंट्री में जाएं भाई? विच कंट्री नेक्स्ट? इंडिया तो देखा, चलो साउथ अफ्रीका चलिए। चलते चलते हम अभी एंटर कर गए हैं इंडियन एरिया में। ये है सारा इंडियन एरिया, जैसे कि यहाँ पे अजमल परफ्यूम्स है, रूप क्रिएशंस है, अलग अलग तरह कश्मीर हेरिटेज है, तो अलग अलग तरह के पश्मीना हैंडीक्राफ्ट्स है, तो इन्होंने अलग पूरे इंडिया को यहाँ पे दिखाया है। आगे क्या क्या है भाई? टी गैलरी, काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी सारे ज्वेलरी ऑप्शंस हैं, लग्जरी गारमेंट्स हैं, देसी डिलाइट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी बहुत सारी है यार। ये तो मैंने पंजाब में बहुत भर भर के खरीदी है इस बार। ओ अलादीन का चिराग ज़्यादातर, चूड़ियाँ हैं हमारे करवा चौथ की चूड़ियाँ यार, छोटे छोटे स्टॉल्स लग। अब आपको दिखाते हैं चाइना, यहाँ पे थाईलैंड और चाइना भी है, बट हमें इंडिया देख के मज़ा नहीं आया क्योंकि उसमें इंडिया वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। लेट्स सी चाइना में चाइनीज फीलिंग आती है कि नहीं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। ओहो छोटी छोटी गुड़िया देखना, असली लग रही है, भी अंकल लग रही है मम्मा। हाय हाय, डिगले ले लो, वो कुत्ता होने का डर। हाँ खुन्नी गुड़िया सही गल। अब आ चुके हम यूरोप में, दे रहा यूरोपियन वाइब्स है कहीं से। यूरोप हाई फ्रूट्स क्यों आ रहे हैं यूरोप में? थाईलैंड क्यों आ रहा है? ये अफ्रीका है, इधर उधर यूएई है, पाकिस्तान, तकीश, सीरिया, मम्मा जी सब कुछ है एक ही साथ है। पाकिस्तान में आपका बाय बाय टू ग्लोबल विलेज। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, बहुत थक गए यार, बैक टू होम। तो आप लोगों को बोलते हैं बाय, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। तो होप आप लोगों को ग्लोबल विलेज का टूर अच्छा लगा हो, एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। कल का क्या प्लान है वो भी हमें नहीं पता, लेट्स सी कल हम क्या करते हैं प्लान दुबई में। तो आप लोगों को मिलते हैं जल्दी यूके में। बाय बाय, गुड नाइट।